हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद नीरू एक बार फिर मैं नीरू आप सबके सामने आ गई हूँ लेकर एक नई रेसिपी <्चीज़> जैसे इंडिया में सर्दियाँ आती हैं वैसे ही हम सब लोगों को क्रेविंग होती है गाजर का हलवा खाने बट काफी लोग गाजर का हलवा नहीं खा पाते हैं या फिर नहीं खाते हैं मन चाहते हुए भी क्योंकि उनको या तो डॉक्टर ने मना किया है कि आपको मीठा नहीं खाना है या तो फिर उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो लोग नहीं खा सकते हैं और हम सब जानते हैं कि जब हमारे यहाँ इंडिया में मिठाइयां बनती हैं तो उसमें चीनी का हम कितना ज्यादा यूज करते हैं पर टेंशन नहीं लीजिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी जिसमें हम लोग मीठा यानी कि चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने बिना चीनी के गाजर का हलवा हाँ गाजर का हलवा और ये उतना ही टेस्टी होगा जितना हमारा नॉर्मल हलवा जो हम चीनी यूज करके बनाते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको लेकर चलती हूँ स्पेशल गाजर हलवे की रेसिपी की और तान पहले हम लेंगे 250 फिफ्टी ग्राम्स गाजर और उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे साथ में लेंगे 20 से 25 खजूर खजूर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी शुगर नहीं यूज़ करेंगे एंड खजूर शुगर का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है उसके बाद हमें खजूर के बीज निकाल लेने हैं और पानी में भिगोकर साइड में रखते हैं ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने लिए हैं बादाम काजू किशमिश एंड सीड मिक्सिस उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे और एक चम्मच का डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट कर लेंगे फिर मैंने दो इलायची ली हैं उनके बीज निकाल के इसमें डाल दिया है ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देता है अगर आप ड्राई फ्रूट्स में इसको डालेंगे तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी आपको ड्राई फ्रूट्स जब हल्के रोस्ट हो जाएं तो इनको साइड में एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिए इसमें इलायची डालने की वजह से काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। सेम कढ़ाई में अब हमें जो हमारी ग्रेट की हुई गाजर थी उनको डालना है और उनको पंद्रह से बीस मिनट तक अच्छे से चलाते रहें जब तक कि गाजर अपना पानी ना छोड़ दे फिर इसको धीमी आंच पर करके कढ़ाई का ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ते रहिए अब देखिए इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है इसमें से पानी भी निकल आया है तो अब इसको इसी तरीके से छोड़ते हुए हम खजूर की प्रिपरेशन करेंगे तो जो खजूर हमने पानी में भिगो के रखे थे उनको हम जार में डालेंगे और उनको ब्लेंड कर लेंगे जब तक उसका एक थिक पेस्ट नहीं बन जाता कुछ इस तरीके से इसके बाद अब हम अपनी गाजर्स में लो फैल्ट काउ मिल्क का एक ग्लास डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे अब हमें इसको तब तक और तब तक चलाते रहना है जब तक दूध इसमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मावा जो मैंने लो फैट मिल्क से ही बनाया हुआ है फिर उसमें जाएगा खजूर का पेस्ट स्वीटनेस के लिए और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाए तो लास्ट इन्ग्रीडियंट जो हमारा होगा इसमें हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के पाँच मिनट तक छोड़ दीजिए और देखिए आपका हेल्दी गिल्ट फ्री गाजर का हलवा बनकर एकदम तैयार है वाह इसकी खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन है एंड अब जरा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ओहो अमेजिंग really. तो देखा आपने इस गाजर के हलवे को बनाना कितना आसान है और ये कितना हेल्दी है इसमें हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज किया है जो अनहेल्दी हो तो जल्दी से जाइए और इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कैसी लगी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको थम्सअप जरूर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों रिलेटिव और जितने भी आपके आस के नोन लोग हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर जरूर करना सो so देट उनको भी तो पता लगे की बिना चीनी के भी हम लोग गाजर का हलवा खा सकते हैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव है अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ बाय बाय